एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी वेडनेसडे लंच रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं लंच में नॉनवेज बनाने वाली हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि सावन के महीना स्टार्ट होने के बाद से हम लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, और फिर जब सावन ख़त्म होता है तब फिर नॉनवेज शुरू होता है। तो जिस दिन सावन ख़त्म हुआ था उस दिन मंडे हो गया था, तो मेरा तो उस दिन प्याज लहसुन भी मैं हाथ नहीं लगाती, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है। तो आज वेडनेसडे और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नॉनवेज मतलब बनाने पर। अभी अभी मेरा बेटा स्कूल से आया है, उससे पहले मैं नहला धुला के खिला लूँगी और उसके बाद ही फिर मैं नॉनवेज बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं उसका काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं खाने की तरफ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने मेरे बेटे को नहला दिया है और खिलाने पिलाने के बाद वो अब अपने दोस्तों के साथ यहाँ नीचे में अपने खिलौनों को लेकर खेल रहा है। अब मैं जा रही हूँ खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल वॉश कर रही हूँ और एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मैं इधर का सारा काम कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही जाऊँगी मैं छत के ऊपर मीट बनाने, क्योंकि उसके बाद फिर किचन में नहीं आऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ मीट की तैयारी करने। ये जो आप लहसुन देख रहे हैं इसे मैं मीट के अंदर गोटाई डालने वाली हूँ, और जो अदरक है उसे मैं पीस के मसालों के साथ ऐड करूँगी। अब मैं जा रही हूँ प्याज कट करने। तो मैं यहाँ पे प्याज को गोटा गोटा लेके ही कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लंबे लंबे साइज़ के प्याज चाहिए थे। अगर मैं आधा करके कट करती तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते, इसीलिए मैं गोटा गोटा ही प्याज को यहाँ पे कट कर रही हूँ। एक लहसुन को मैं गोटा डालने वाली हूँ और एक लहसुन को मैं पीस के डालूँगी। तो पहले मैं इसको अच्छी तरीके से छील लेती हूँ, और अदरक को मैंने मिक्सी में पहले ही डाल रखा है। मसाले के साथ यहाँ पे मैंने गुंडी मसाला ऐड किया है। मसाले के साथ मैंने गुंडी मसाला इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे पीसने में बहुत सुविधा हो जाती है। सारी तैयारियाँ मैंने कर लिया है। प्लेट में मैंने मसालों को लिया है, तेल, नमक, प्याज, हरी मिर्च और एक गोटी लहसुन को लिया हुआ है। अब जा रही हूँ मैं ऊपर। मैं आ गई हूँ छत के ऊपर, और कुछ बर्तन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये दो गैस यहाँ पे रखा हुआ है मीट बनाने के लिए। आज मैं बहुत सिंपल तरीके से मीट बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं तेल को कढ़ाई में गर्म करने रख देती हूँ, और जब तेल गर्म हो जाएंगी तो उसमें मैं कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और एक लहसुन को अच्छी तरीके से डाल के पहले मैं फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद जो भी मुझे ऐड करना है फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। तो अब मेरी प्याज पक के गल चुकी है। अब जो मैंने मसाला ऐड बना के रखा था उसे मैं ऐड कर दूंगी, और इसे थोड़ी देर फ्राई करने के बाद उसके बाद मैं चिकन ऐड करूंगी। अब मैं थोड़ी देर मसाले को पका चुकी हूँ। चिकन को मैंने पहले से ही वॉश कर लिया था, अब मैं उसे ऐड कर रही हूँ, और इसके आंच को अब मैं एकदम कम कर दूंगी, और इसे पकने में कम से कम आधा घंटा करीब लग जाएगी। अब मैं इसे ढक ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी मैं हूँ छत के ऊपर, और आपने देखा कि हमारे घर में मीट को लेकर कितना ज़्यादा मतलब नियम है। सारे पुराने टेढ़े मेरे बर्तन, पुराने बर्तन जो भी होते हैं वो मीट के बर्तन में मतलब चेंज कर दिए जाते हैं। और ये छत के एक कोने में एक टीन का घर बनाया हुआ है, वहाँ पे आके हम लोग हमेशा मीट बनाते हैं। थोड़ी देर पहले मेरी भाभी बना के गई थी और अब मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर पे मीट वगैरह बनाने में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो अभी बज रहा है एक, और अभी बज रहा है टाइम एक, और पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको एक मिनट में दिखाती हूँ। मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ छत पे आया हुआ है, तो उसे तो मैं ज़्यादा बारिश में से खेलने देती नहीं हूँ, पर आज उसे मौका मिल गया है क्योंकि पूरा छत ही बारिश का पानी से भर चुका है। तो उसे अभी धीरे धीरे वो निकल जाएगी, बट अभी उसे मौका मिल गया है पानी में खेलने का। यहाँ पे मैंने मीट को ढक के पकने के लिए छोड़ रखा है। धीरे धीरे मसाले के साथ मीट भी पक रही है, और बीच बीच में मैं इसे चला भी रही हूँ, और फिर मैं बेटे के साथ खेल भी रही हूँ।
तो चिकन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से पक चुकी है। तो मैं अब आँच को तेज करके मसाले को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करके इसे पकाऊँगी, क्योंकि मुझे इसे चावल के साथ खाना है। अब मीट बन के तैयार है, मैं इसे रूम के अंदर ले जाऊंगी क्योंकि वहीं पे हम लोग खाना खाने वाले हैं। अब मैं आ चुकी हूँ रूम के अंदर और यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ। आज हम लोग रूम के अंदर खाने वाले हैं, हम लोग नॉनवेज कभी भी रूम के अंदर नहीं खाते हैं, बट बहुत ज़्यादा भारी है इसीलिए छत के ऊपर खाया नहीं जा सकता है, इसीलिए आज मैं रूम के अंदर खाना लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे और मेरे हस्बैंड का खाना एक साथ ही निकाल रही हूँ। एवरीवन, तो खाना वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर सोने, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपने बेटे को छोड़ के आया है ट्यूशन मतलब प्राइवेट के लिए, और अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी चाय बनाने के लिए, बस मेरे हस्बैंड आएंगे उसके बाद। तो आप लोग बोलते हैं मैं अपने हस्बैंड को दिखाती नहीं हूँ, मैं उनको कैसे दिखाऊँ, वो जब भी घर में आते हैं बस अपना टी शर्ट उतार के फेंक देते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा गर्मी लगने लगता है कि मतलब घर आते ही वो टी शर्ट खोल के फेंक देते हैं, तो खाली मतलब खाली बॉडी में वो घर पर घूमते रहते हैं। तो मैं उनको इसीलिए मैं नहीं दिखा पाती, क्योंकि किसी ऑकेशनली मैं आपको उन्हें दिखाऊंगी जब वो कपड़े पहन के रहेंगे, उनकी आदत बहुत ख़राब है, सिर्फ एक हाफ पहन में पूरे घर पर घूमते रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिखाती। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चाय पीने की थोड़ी देर बाद जाके मैं उसको देव को लेके आ गई थी ट्यूशन से, उसे अब कुछ खाना था तो वो चिप्स वगैरह का डिवान कर रहा था, तो मैंने सोचा घर पे जब पॉपकॉर्न पड़ा ही हुआ है तो वही बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ थोड़ा सा पॉपकॉर्न। मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, तो आज रात को मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है, तो मैं यहाँ पे आटा गूंथ के सिर्फ रोटी बना लूँगी और दिन की जो बची हुई चिकन है उसके साथ ही मैं रोटी खाने वाली हूँ। रोटी बनाने के बाद अब मैं हॉल रूम में गैस लेके आ गई हूँ, और उसके बाद जो दिन की बची हुई मीट है उसे मैं अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी और उसे ही रोटी के साथ मैं भी खाने वाली हूँ। तो ये था मेरा आज का लंच और डिनर रूटीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।